स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीवी का पटाका में, जहां आपको मिलती है स्टार प्लस सुपरहिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सी सबसे पहले। वेल दोस्तों, सीरियल के आने वाले एपिसोड में आने वाला है एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोड़, जहां पे ईशान अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ के गोद में सर रख कर रोएगा, अपना हाल बयां करेगा। टूटा हुआ ईशान अपनी माँ से अपने दिल का सारा हाल कह देगा। कोई बच्चा अपनी माँ से कितना ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन जब उसके दिल को चोट पहुँचती है, जब वो मन से टूट जाता है, तो उसे हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ ही याद आती है। यही होने वाला है ईशान के पास, यही होगा ईशान के साथ। जब ईशान पहुंचेगा सभी के पास, तो सभी समझेगी कि यहाँ पे ईशान सर को अगर इस वक्त कोई संभाल सकता है, समझ सकता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ख्याल कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी आई है, यानी कि उनकी माँ ईशा भोसले है। इसीलिए सभी लेकर जाएगी ईशान को बिना उसे बताए ईशा के पास, और वहाँ जाकर ईशान को पहले तो गुस्सा आएगा, लेकिन जब उसकी माँ प्यार से उसके सर पे हाथ फेरेगी, तो वो पूरे तरीके से अपने दुखों को निकाल कर सामने रख देगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगेंगे। जब उसकी माँ प्यार से अपने हाथों को उसके गालों पर रखेगी और बोलेगी, क्या हुआ बाड़ा, क्या दुख है तुझे, तेरी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं, क्या परेशान कर रहा है तुझे, तो यहाँ पर ईशान रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेगा। ईशा अपने गले से लगा लेगी अपने बच्चे को और यहाँ पर कहेगी कि तू सब भूल जा, सही क्या है, गलत क्या है, खानदान की इज्जत सब कुछ भूल जा, तू सिर्फ खुद के बारे में सोच बाड़ा, सिर्फ खुद के बारे में। ऐसे में घंटों ईशान ईशा के पास ही रहेगा और अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, जहाँ ईशा उसे समझाएगी कि रीवा की जिंदगी में वापसी सही है या फिर नहीं। वेल, इसके बाद ईशान को होश आएगा कि वो तो ईशा के पास आ गया, वो जिसने उसे बचपन में छोड़ा था, लेकिन अब ईशा उसे वो सारी सच्चाई बताएगी जो उससे अभी तक छुपाई गई थी। और फिर वापस भोसले खानदान में जाकर ईशान अक्का साहिब से काफी बदला हुआ व्यवहार करने वाला है। वेल, ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, ईशान के इस उखड़े हुए नए बिहेवियर को देखकर अक्का साहिब कौन सी नई कहानी गढ़ेंगी? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।